बेबी ब्रिंग इट ऑन फ्रॉम मडगांव एक्सप्रेस। ये गाना सच में हर किसी को ठुमके लगाने पर मजबूर करता है, इसलिए कई दिनों से ट्रेंड में चल रहे इस सॉन्ग के हुक स्टेप पर पब्लिक ने बेशुमार रील्स बनाकर खुद को नोरा फतेही से कंपेयर करने की कोशिश भी की है। नोरा के एनर्जेटिक डांस स्टेप्स तो इस सॉन्ग की जान है ही, लेकिन उतना ही क्रेडिट जाता है अजय अतुल को जिन्होंने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। कुछ ही दिनों पहले मेकर्स ने इस सॉन्ग का BTS वीडियो पब्लिश किया था। उसे देखने के बाद पता चलता है कि इस सॉन्ग को शूट करने के लिए उन सभी ने कितनी ज्यादा मेहनत की है। चलिए देखते हैं वो बिहाइंड द सीन्स, और साथ ही में जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर। इस सॉन्ग को शूट करने के लिए मेकर्स ने मुंबई के किसी स्टूडियो में स्पेशल सेट क्रिएट किया था। वहाँ पर स्पेशल लाइटिंग्स की अरेंजमेंट की गई थी। इस सॉन्ग को ऑलमोस्ट स्टेडीकैम से ही शूट किया गया है, जो कि हमें स्क्रीन पर बिहाइंड द सीन में दिख रहा है। जिस सीन में एक्टर्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट तेजी से मूव हो रहा होता है, उस केस में बाकी किसी भी कैमरा से शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट ट्रैक नहीं हो पाता और फिर स्टेबल वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाता, तो वहाँ स्टेडीकैम का यूज किया जाता है, जिसमें कैमरा ऑपरेटर इसे खुद कैरी करके सब्जेक्ट को फॉलो करता है। वीडियो की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए स्टेडीकैम ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसे ऑपरेट करने के लिए हाईली स्किल्ड ऑपरेटर ही चाहिए होता है। ये है इस सॉन्ग का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट। इस पार्ट के डांस स्टेप इतने वायरल हो गए हैं कि इंस्टा, फेसबुक और बाकी सभी सोशल मीडिया पर इसी के रील्स देखने को मिल रहे हैं। ये रहे इस पार्ट के कुछ बिहाइंड द सीन्स, जिसमें ये कैमरामैन हमें इतने हेवी स्टेडीकैम से शूट करते हुए दिख रहा है। जब ये स्टेप कंप्लीट हुआ था तो नोरा का रिएक्शन कुछ इस प्रकार था। So cute. उसे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतने अच्छे तरीके से ये डांस स्टेप कंप्लीट किया है। शायद आप जानते ही होंगे कि इस सॉन्ग का ओरिजिनल वर्जन हमें 2016 में आई जाऊदाना बाळासाहेब इस मराठी मूवी में देखने को मिला था, जिसे कंपोज किया था वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिक डियो अजय अतुल ने। और इसके मराठी वर्जन के लिरिक्स उन्होंने ही लिखे थे। सात साल बाद उन्होंने फिर से इस सॉन्ग को रिक्रिएट किया है। इसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हैं, इसे गाया है अजय गोगावले और निकिता गांधी ने। गाने में मराठी तड़का होने की वजह से सेट पर भी कई सारे आर्टिस्ट हमें मराठी ट्रेडिशनल गेटअप में दिख रहे हैं। साथ ही में बड़े बड़े ढोल भी बज रहे हैं, जो कि मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री की शान है। अजय अतुल के सॉन्ग्स ऑडियंस के लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। मडगांव एक्सप्रेस इस हिंदी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल खेमू ने। लेट्स गो बंजी जंपिंग। और ये उनकी एज अ डायरेक्टर पहली मूवी है। इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने। आप इस बिहाइंड द सीन में देख सकते हो कैसे रेमो सब एक्टर्स को गाइड कर रहे हैं। इस सीन में वो कैमरा से शूट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये रहे और कुछ BTS जिसमें रेमो खुद भी डांस कर रहे हैं, ताकि एक्टर्स को एक्चुअल स्टेप जल्दी समझ आ जाए। ऐसे कुछ सॉन्ग हमें देखने सुनने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा उसके मूवी से भी ज्यादा हो जाती है। कुछ लोग तो मूवी को भी उस सॉन्ग की वजह से देखते हैं। आपको ये ब्रिंग इट ऑन सॉन्ग कैसा लगा, और कौन से ऐसे सॉन्ग हैं जिन्हें लोगों ने उन मूवी से भी ज्यादा पसंद किए हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।